नमस्कार, प्रभात खबर फेसबुक लाइव में मैं पंकज अपने साथी अरविंद के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है और ये हमारे साथ साथ यानी प्रभात खबर के साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड और यूनिसेफ मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। आप अगर अखबार पढ़ रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी मिल रही होगी कि अगर आप भी इस फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहते हैं या आपकी भी कोई फिल्म है जो लिमिटेड जो विषय है उससे संबंधित है तो आप भी इस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बन सकते हैं और आपकी फिल्में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है। हम ये कोशिश करते हैं कि इस फिल्म फेस्टिवल के बारे में आपको विस्तार से बता सकें। इसके लिए हमारे साथ सुदर्शन सर हैं। सर, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, जो दर्शक पहली बार इसके बारे में लाइव देख रहे होंगे इस वक्त, वो जान सकें कि किस तरह वो हिस्सा ले सकते हैं और कौन कौन से विषय हैं और कैसी फिल्म होनी चाहिए, कितने ड्यूरेशन की होनी चाहिए, इसके बारे में। जी हाँ, ये जो फिल्म फेस्टिवल है इसमें हम लोग जो है ये स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने ओपन किया है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया से दे कैन पार्टिसिपेट इन दिस फिल्म फेस्टिवल। एंड मोस्टली जो ऐसे बच्चे जो फिल्म से रिलेटेड हों या जिनका फिल्म में एंथुजियाज्म हो, तो ये सिर्फ बच्चे जो हैं वो 3 से 5 मिनट की फिल्म बना के वो सबमिट कर सकते हैं और इसका सारा डिटेल्स हमारे वेबसाइट पे है जो आपका cuj.ac.in/jcff2018.php पे अवेलेबल है। तो वहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपना डाउनलोड करें और 3 to 5 मिनट्स की फिल्म बनाएं। और हमारा जो थीम है वो है एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन, तो एनीथिंग रिलेटेड टू चिल्ड्रेन, एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन, मेल न्यूट्रिशन और पोषण अभियान गवर्नमेंट का या फिर आपके मेल न्यूट्रिशन है, इन सब इश्यूज़ पर आप फिल्म बनाएं और उसको हमें सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई भी जो विद्यार्थी है वो अगर पार्टिसिपेट करना चाहता तो कोई भी विद्यार्थी है, लेकिन वो अंडर ग्रेजुएट कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होना चाहिए एंड बोनाफाइड स्टूडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पास आउट हो गए हैं, रेगुलर जो प्रेजेंटली जो यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ पैसे भी लग रहे हैं? हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग प्रोसेसिंग चार्ज के लिए बहुत ही नॉमिनल 500 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, जो उसका हम लोग उसमें स्टूडेंट्स को पर एंट्री पे करना पड़ेगा। तो हम आपको बताएं कि फिल्म फेस्टिवल तो हम आप तक पहुंचाएंगे ही जब लाइव होंगे, उस वक्त जब फेस्टिवल चल रहा होगा। इस वक्त जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कतार से खड़े हैं, मैंने इन्हें कहा था कि एक साथ इकट्ठा हो जाइए लेकिन ये कतार से खड़े हैं, यही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि बहुत कम बच्चे इस वक्त हैं, और भी लोग हैं जो इस वक्त क्लास कर रहे हैं या कहीं बाहर हैं। तो कितने ग्रुप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर कोई सामने आके बता सके कोई भी, कि कितने? जहाँ तक हम लोगों को अभी तक इन्फॉर्मेशन है, हमारे सीनियर्स जूनियर्स और हम लोगों के बैच 3rd, 4th, 5th ईयर को मिलाकर ऑल टुगेदर 6 ग्रुप्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसी ग्रुप में 4 लोग हैं, किसी में 5 हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पे वो फिल्म्स बना। और भी विषय जैसे सर कह रहे हैं सुदर्शन सर कि कोई भी विषय जो चिल्ड्रन राइट्स के को रिप्रेजेंट करती हो आप लोग बना सकते थे, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि वो सिर्फ 3 विषय के कारण आप लोग और भी सोच दिमाग में और भी विषय हो आप लोग नहीं छू पाए हो? ठीक है, ये हो सकता है कि जैसे 3 टॉपिक्स ही थे तो उस वजह से हम लोगों को स्टोरीज बहुत लिमिटेड रखना पड़ा, बहुत सोचना पड़ा और 3 मिनट का ड्यूरेशन भी था, तो 3 से 5 मिनट के बीच एक अच्छे स्टोरी को रिवील कर पाना ये एक थोड़ा चैलेंजिंग था। और एक ये पॉजिटिव पॉइंट भी है कि जब छोटा ग्रुप है तो 3 मिनट के फिल्म्स भी काफ़ी सफिशियंट होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा, आप आइए सामने, आप किस विषय पर बना रहे हैं फिल्म, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है, मैं मास्टर्स 1st ईयर का हूँ और हम लोग चाइल्ड मैरिज के ऊपर बना रहे हैं और बहुत मेहनत लगी है। ग्रुप में सारे अलग अलग जगह प्रॉप लोकेशन वो सब का शूट था, सब बढ़िया चल रहा है। तो ये अगर चाइल्ड मैरिज पर आप लोग बना रहे हैं तो कोई एक्टर भी अपने ही ग्रुप से होगा? हाँ। या कॉन्सेप्ट भी सब आप लोगों ने मिलकर सोचा? मिलकर ही सोचा है। तो 3 मिनट या बहुत 5 मिनट बहुत कम समय है, उसमें सब कुछ कह जाना कितना मुश्किल है। वही चैलेंज था लेकिन हम लोग ने उसको पूरा कर दिखाया, मतलब हम लोग का जो टाइम लिमिट है वो उसके अंदर आ गया, तो अब देखते हैं वो फिर डिसीजन क्या होता है कि कैसा लगता है बाकियों को भी। अच्छा, आप आइए, आप मुझे दो ही लड़कियां दिख रही हैं, दोनों अगर सामने आ जाए तो आप लोग क्यों, संख्या ज़्यादा है लड़कों के ऑप्शन पर भी बन रही हैं फिर चाइल्ड मैरिज पर भी बन रही हैं, तो आप लोगों के जो थीम है वो आपस में न मिल जाएँ या एक ही बात न कह दी जाए, तो इसके लिए आप लोग क्या आपस में भी बैठ के बात करें कि सुन हम ये कर रहे हैं तो मत करियो, ऐसा नहीं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक, तो हम किसी के साथ बैठे नहीं है या हमें पता भी नहीं है बहुत सारे लोगों की कि क्या थीम पर वो बना रहे हैं, तो हम अपने पर्सपेक्टिव्स डाल रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ अलग बनाएं जो लोग नॉर्मल आदमी नहीं सोच पाए, जो यूजुअली बनते हैं उस तरह की फिल्म नहीं बनाए और कुछ अलग सोचें, तो ये हमारी कोशिश है। और आप किस विषय पर है आपकी फिल्म? जी, मेरी भी बाल विवाह पर है और मैं उसमें खुद लीड एक्ट्रेस का रोल निभा रही हूँ और मैं एक नॉन एक्टर हूँ, बट मैंने काफ़ी मेहनत किया, होप सो पसंद आए ऑडियंस को।
और सपोर्ट कैसा मिल रहा है? जैसे आप लोग जो 6 लोग टीम में हैं तो वो तो हैं ही, बाकी सीनियर्स जो लोग होंगे वो जो लोग पहले पार्टिसिपेट कर चुके होंगे और बहुत सारा अनुभव होगा, उन वो लोग किस तरह मदद कर रहे हैं आप लोगों की? जी, वैसा कुछ खास मदद तो हमने लिया नहीं है, बट अपने टीचर्स का सपोर्ट हमें बहुत मिला है और अपने टीचर्स से हमने कंसल्ट किया, अपने स्टोरी को बताया, उनसे कुछ मतलब सीखा है, तो उस अनुभव को लेकर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप इधर से भी ये छूटे ना कोई, क्या नाम है आपका? जी, ऋतिक कुमार। ऋतिक, तुम्हारी कौन सी विषय पर है फिल्म? इस पर अंडर न्यूट्रिशन पे है मेरी फिल्म। हम लोगों का तीन लोगों का ग्रुप है और एक्टर्स में कुछ एक्स्ट्रा एक्टर्स हैं। हम लोगों का शूट कंप्लीट हो गया है, एडिट भी हम लोग 50% कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं कि ऑडियंस को कैसा लगता है। अच्छा, जब शूट हो जाता है, आप लोग सबसे है, जब फिल्म बन रही होती है, एक तो लिख दी गई कहानी कि ऐसी बननी चाहिए, फिर शूट होता है तो कई चीज़ें चेंजेस भी होती हैं कि अच्छा ये सही नहीं था या इस तरह का, किसी को ऐसा पूरा स्टोरी लाइन चेंज करना पड़ा हो या फिर बहुत बड़ा कोई बदलाव आया हो एंड टाइम में किसी की फिल्म में भी, ऐसा कुछ हुआ है किसी के साथ या फिर फिक्स्ड जो पहले से तय था उसी पर चलता गया? थोड़े बहुत चैलेंजेस तो लोकेशन के अकॉर्डिंग आ ही जाती है। जैसे हमने सोचा था इंडोर शूट, तो जैसे हमारा एक्सपेक्टेशन था कि एक हॉल हो, एक रूम हो जिसमें सोफा वगैरह हो, रूम का कलर्स ऐसा हो या फिर विंडो हो, इंटीरियर्स ऐसे वैसे हो, तो वो थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम हम लोग जो भी डिसीजन होता है, मतलब जो भी आगे शूट करना है उसको थोड़ा बहुत चेंजेस ला के बस स्टोरी लाइन को सेम रख कर, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्क्रिप्ट डिसाइड कर रखा है, स्टोरी हमारा वो सेम है, तो प्लॉट को हम चेंज नहीं करते हैं, बस उन्हीं चीज़ों में एडजस्ट करके आगे काम कर। अच्छा, कोई है यहाँ पे जो पहले भी पार्टिसिपेट किया हो, जिन्होंने किसी फिल्म फेस्टिवल में किसी की फिल्म गई हो, या सब पहली बारी वाले? सब पहली बार। तो जब दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया पहले तो उनके लिए फ़ायदा है, ये एक तरह से हम आपके लिए घुसपैठिए का काम कर रहे हैं कि यहाँ सब पहली बारी वाले लोग हैं, अगर आपके पास अनुभव है तो अभी भी आप एंट्री भेज सकते हैं। अच्छा, ये दो विषय हो गया, पोषण पर और किन की फिल्में जा रही हैं आप लोग तीनों में से? सेम एक ही ग्रुप के हैं, तो ऐसा है कि ग्रुप का कोई नाम भी है या फिर फिल्म? अच्छा, फिल्म का टाइटल तो आप लोग बता ही सकते हैं, मतलब पोषण पर है, लेकिन विषय जो आप लोग फिल्म का जो टाइटल होगा वो तो अलग अलग होगा या एक ही है? अलग अलग है ना, तो आपकी फिल्म का टाइटल क्या है? आवारे बहुरिया। आवारी? आवारे बहुरिया। आवारे बहुरिया। हाँ। अच्छा, आपका? हमारे फिल्म का टाइटल अब तक हमने डिसाइड किया नहीं है पूरी तरह से। अच्छा, स्टोरी लाइन है जो है उसी के अकॉर्डिंग कुछ टाइटल रखेंगे, अब तक डिसाइड नहीं है कि टाइटल क्या होगा। अच्छा, तो और ये पोषण पर जो बन रहा है? सर, हमारा टाइटल है यूथ फॉर चेंज। एक्चुअली जो हमारा फिल्म फेस्टिवल है उसमें है कि एंड माल न्यूट्रिशन, एंड चाइल्ड मैरिज, तो हम लोग सोल्यूशन की तरफ आए हैं और इसमें न्यूट्रिशन को कैसे टैकल कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन, तो हमारा फिल्म एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो ये लोग समस्या बताएंगे और आप लोग सोल्यूशन दे देंगे कि भाई ये कर लो। हाँ, फिल्म के तहत हम लोग दिखा सकते हैं कि कैसे यूथ पावर को यूज कर सकते हैं हम लोग, इस न्यूट्रिशन को फाइट कर सकते हैं। अच्छा सुदर्शन सर, अब तक कितनी एंट्रीज आई हैं? अभी तक इंट्रीज तो जिस तरह का हम लोगों को मिल रहा है रिस्पांस पूरे इंडिया से, सो और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंट्रीज ऑलमोस्ट 50-70 आएंगे। अच्छा। क्योंकि जितने भी हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज से कांटेक्ट किया है, तो फ्रॉम BHU, फ्रॉम बैंगलोर यूनिवर्सिटी, इवन फ्रॉम केरला, इवन फ्रॉम मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी, इवन फ्रॉम दिल्ली सम कॉलेजेस, नॉर्थ ईस्ट से कुछ कॉलेजेस से मिल रहा है, तो अराउंड 50-70 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास अराउंड 3-4 इंट्रीज आ चुके हैं, क्योंकि अभी हमारा डेडलाइन जो है 5th of October है, सो वी आर स्टिल अवेटिंग कि लोग अपलोड करेंगे, बिकॉज लास्ट मोमेंट में ही आमतौर पर स्टूडेंट्स काम करते हैं एंड अपलोड करते हैं, बट वी आर थिंकिंग टू एक्सटेंड द डेट्स, मे बी हम लोग 2-3 दिन डेट बढ़ाएंगे, एंड वी आर प्लानिंग टू पुट द डेट ऑन 8th of October। अच्छा, सो 8 October जो है वो मिडनाइट तक हम लोग डेट एक्सटेंड करने का यहाँ प्लान कर रहे हैं, जो आप हम लोग वेबसाइट पे आज उसको कंफर्म कर देंगे। अच्छा, ये मतलब एक्सटेंड हो ही चुका है, बस घोषणा नहीं हुई है। जी जी जी। तो ये जो लोग लिमिट समय उनको पता था कि 5 तारीख तक ही वक्त है, 5 अक्टूबर तक, वो ये जान सकते हैं कि 3 दिनों का समय अभी बढ़ रहा है ऑनलाइन अपलोडिंग का, 3 दिन का समय बढ़ रहा है, 8 अक्टूबर मिडनाइट तक वो अपना ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, बट जो हार्ड कॉपी में आने का है वो आपका उनका वही डेट है जो आपका 10th of October है। अच्छा, आप लोगों के लिए जीत कितना मायने रखती है? जैसे सर बता रहे हैं कि और भी बैंगलोर से आ रहे हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जीतना ज़रूरी है या पहला अनुभव है आप लोगों का तो ये बस अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए इसको और जो सीखना है उसके बाद सीख लें, ऐसा कुछ है, या फिर जीतना ही सब कुछ है कि जीतने के लिए खेल रहे हैं? या हालांकि ये पहला एक्सपीरियंस है तो पूरी तरह से जीत एक्सपेक्ट करना सही नहीं होगा,
हमने ये टारगेट रखा था जब हम स्क्रिप्ट भी कर रहे थे, तो फिल्म बने, एक मैसेज हम सोसाइटी को दे पाएँ, और साथ ही हम ये चाहते हैं कि जीते ना जीते, जब ऑडियंस में जब उसकी स्क्रीनिंग हो तो कम से कम 300-400 ऑडियंस जो होंगे वो तालियां बजा दें, बस हमारे लिए काफ़ी होगा। अच्छा वही जीत कम से कम। इधर से मुझे आवाज़ आ रहा है कि हम लोग जीतने के लिए, तो जीतने के लिए आप लोग मतलब स्टोरी में उतना दम है कि लगता है कि ये उस टक्कर की हो। हाँ, मतलब स्टोरी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो इसी बेसिस पे हुआ था ताकि हम जीत पाएं, तो जीतने के लिए ही बनाया गया, मतलब शॉर्ट फिल्म बनाने का मोटिव यही था कि जीतना है। तो और कोई कुछ कहना चाहेंगे क्या, किन्हीं से बात नहीं हुई हो, उन्हें लग रहा है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कोई भी? सब मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं लेकिन इतने चुपचाप हैं, ये तो अच्छा मौका है आप लोगों को अपनी बात रखने का। और कोई भी? तो हम कोशिश करेंगे कि फिल्म फेस्टिवल से संबंधित और भी जो स्टोरीज होंगी या और भी जो स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे उनकी भी जो स्टोरी लाइन है वो किस विषय पर काम कर रहे हैं और किस तरह शूटिंग हुई और क्या क्या परेशानियां हुई उनकी और वो फिल्में बनने की पूरी प्रक्रिया क्या रही वो आप तक पहुंचा सकें। फिल्म फेस्टिवल में भी हम कोशिश करेंगे, प्रभातखबर.com कोशिश करेगा कि हम लाइव रहें और कई अधिक जानकारियां जो आप घर बैठे देख सकते हैं वो देख पाएं। अगर आप रांची में नहीं हैं और फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा नहीं हो सकते हैं तो हम आपके मोबाइल पर पूरी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद कि आपने पूरे सेक्शन को लाइव देखा। नमस्कार।